तो आज हम बात करेंगे ईआरपी सिस्टम के बारे में। ईआरपी यानी इंडस्ट्रियल रिसोर्स प्लानिंग। इंडस्ट्रियल रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट यानी फैब्रिक, कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग यानी कि अकाउंटिंग, यानी कि सिक्योरिटी, यानी कि इन आउट, सारे की जानकारी एक ही सॉफ्टवेयर पे, एक ही डाटाबेस पे एकत्रित होती है। यानी कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि मोटे मोटे रजिस्टर, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे बाबू मिलकर के बहुत सारी चीजें लिखा पढ़ी करते थे, और वो समय अनुसार खराब भी हो जाती थी, कभी इंक भी मिट जाती थी, कभी चूहे काट देते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब से ईआरपी सिस्टम डेवलप हुआ साथियों, कोई भी डाटा, पुरानी से पुरानी डाटा, आप 2 मिनट के अंदर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल लोगों की जरूरत होती है, जो लोग अपना अपना कार्य अपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, उसके लिए बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे बुक्स तथा बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, उस सारे को एकत्रित करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, जिसमें ये सारी चीजें एक ही डाटाबेस पे, एक ही सॉफ्टवेयर पे ऑन टाइम उपलब्ध हो और हर समय उपलब्ध हो, जिसे ईआरपी यानी इंडस्ट्रियल यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के रूप में जाना गया। अब आप बोलेंगे, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईआरपी सिस्टम कब से शुरू किया गया। तो ईआरपी सिस्टम का विकास जो है, आज से लगभग 100 साल पहले 1913 में विटमैन हैरिस ने ईआरपी सिस्टम का निर्माण किया। अब ईआरपी सिस्टम जो होता है साथियों, प्रायः किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में ईआरपी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमेशा ऑनलाइन कुछ भी, कभी भी, कितना भी पुराना हो डेटा, अभी देखना है अभी देख सकते हो। जैसे पहले के जमाने में अगर रजिस्टर पे कोई चीज अंकित है तो उसको देखने के लिए बहुत सारे समय की जरूरत होगी, उसका नंबर ढूंढा जाएगा, उसकी अलमारी ढूंढी जाएगी, उसका पेज नंबर ढूंढा जाएगा, तब जाकर के वो प्रमाण मिलता था। लेकिन आज के डेट में ईआरपी सिस्टम ने इस चीज को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। वो कभी भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट की, मल्टीपल क्षेत्र की, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की, तो है ना साथियों, कितनी अच्छी बात। तो ईआरपी सिस्टम के फायदे क्या होते हैं साथियों? ईआरपी सिस्टम के फायदे ये हैं कि इसमें पेपरलेस होता है, पेपर की कोई जरूरत नहीं, इंक की कोई जरूरत नहीं, पेन की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे बाबू, बहुत सारे क्लर्क की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक या दो बंदा जो सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा नॉलेजबल पर्सन हो, वो ईआरपी को आसानी से हैंडल कर सकता है। यानी कि आप कंप्यूटर पे भी ईआरपी को देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी ईआरपी को चला सकते हैं। यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक वरदान है साथियों, वरदान। तो ईआरपी सिस्टम का विकास ज्यादातर जब ये प्रभाव में आया, वैसे तो 1913 में ही इसका विकास स्ट्रक्चर शुरू हो गया था, बट ये 1960 से ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा। यानी हर लोग को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संस्था को इसकी जरूरत महत्वपूर्ण लगने लगी, और सभी ने ईआरपी को बहुत ज्यादा लाइक किया, क्योंकि एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी चीज छुपी नहीं है,
यानी कि हर कर्मचारी, हर बाबू, हर वो मैनेजर्स, मैनेजमेंट का प्रतिनिधि सबको एक समान ईआरपी सपोर्ट करता है, कोई भी कभी भी कुछ भी देख सकता है। तो है ना साथियों, कितने विकास की बात। तो ईआरपी सिस्टम जो है आज के डेट में बहुत वैल्यूएबल सिस्टम है, इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसका उपयोग हर छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बखूबी निभा रही है। तो आशा करता हूं साथियों कि ईआरपी सिस्टम क्या है, ईआरपी सिस्टम के फायदे क्या हैं और ये किस तरह से उपयोग होता है, इसके बारे में आपको बखूबी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू साथियों, बाय बाय।